जो चीज़ मैं पहना हूँ इसे गुंगू कहते हैं, और ये आप चारों तरफ देख सकते हैं कि किस तरह से पत्ता को गूंथ कर इसे बनाया गया है। कौन सा पत्ता लगता है? लाव पत्ता। लाव पत्ता। हाँ। एक ठो बनाने में कितना पत्ता लगता है? देखो जो अपना सामने देखो 1000 से तो अधिक है। 1000? हाँ। हम लोग मर जाएंगे तो कौन सिखाएगा? भूल जाएगा। छाता ले लेगा, प्लास्टिक लेगा। हाँ। बजर पात मारता है इससे ढकाने से, अभी तक हम लोग नहीं दिखे हैं। हम लोग को लिखल पढ़ल नहीं है, हम लोग बानी भूति करके जिए हैं। अभी हम लोग सुबह चल जाते हैं उठ के घुंघू ढक के, और दो पीला एक दिन में मिल रहा था धान, और लेके आते थे पानी। इसको तो भुला गया, अब कोई नहीं लेता है। नहीं। प्लास्टिक पहन लेता है। हाँ, प्लास्टिक और छाता। छाता ले लेता। हाँ, इतना भारी को कौन ढोएगा? कौन ढोएगा? हाँ। तब तो बहुत दिक्कत हो गया हुआ। हाँ। तो कैसे खाती हैं, क्या कमाती हैं, क्या चीज? हम लोग मरुआ गुंदली। हाँ। माकिया सब को घाटा करके खाते हैं। और ये जो माला पानी है इसमें पैसा वगैरह लगा है? हाँ, पहले का एक आना। एक आना लगाई है? हाँ। ये क्यों लगाई है? असुर का पहचान है, सिंगार। अच्छा, असुर का ये श्रृंगार है। अभी तो क्या कहते हैं, सोना चांदी पहनते हैं। हम लोग तो गरीब आबदी ने इसी को पहनते हैं। हम लोग को माँ बाप, मेरा माँ, हम छोटा सा था उसी समय खत्म हो गया, की पढ़ाएगा। हम लोग बानी भूति करके हम जिए हैं। छुआ सबको सिखाएंगे हम लोग का नाती सबको, तभी जो नहीं तो इसको भुलाएगा बोले तो के सिखाएगा। इसलिए हम लोग सी के दिखा रहे हैं। झारखंड आदिवासी महोत्सव में आदिवासियों से जुड़ी अलग अलग चीज़ें मिल रही है, और इस वक्त देखिए ये पत्ता का बना जो चीज़ मैं पहना हूँ इसे गुंगू कहते हैं, और ये आप चारों तरफ देख सकते हैं कि किस तरह से पत्ता को गूंथ कर इसे बनाया गया है। और झारखंड के इलाकों में खास करके रोपा करते वक्त बरसात के मौसम में महिलाएँ इसे पहनती हैं। अब हालांकि ज़माना बदल गया है, प्लास्टिक का घोघा वगैरह पहनती हैं, इसको गुंगू हालांकि बोलते हैं। और अलग अलग तरीके का यहाँ पर आप देखिए ये आदिवासी महोत्सव में जो है ये बिक रहा है। अलग अलग जगह से यहाँ पर दीदी लोग पहुँची हैं। आप कहाँ से आए हैं? सुजानपुर से आए हैं। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप लोग? नेतरहाट। नेतरहाट से? तो देखिए कुजमपाट। तो देखिए ये नेतरहाट के जंगल से निकल कर आई हैं और यहाँ पर बेच रही हैं, और ये पत्ता का बना हुआ होता है। कौन सा पत्ता लगता है? लाव पत्ता। लाव पत्ता। एक ठो बनाने में कितना पत्ता लगता है? देखो जो अपना सामने देखो 1000 से तो अधिक है। 1000? हाँ। इसका दाम कितना है? 1000 रुपया। 1000 रुपया? तो कितना दिन चलेगा? ढेर दिन चलेगा। मतलब सूख जाने के बाद भी चलेगा? चलेगा, वो जो सूखल है वो। और ये वाला भी है, देखें पत्ता, ये ढेपे। ये ढेपे बोलते हैं इसको। हाँ। तो देखिए ये ढेपे है, ये ऐसे टोपिया तत्काल के लिए। अभी छाता हम लेने भूल गए तो इसको तुरंत जंगल में जाके बनाते हैं और बांच के आते हैं। मतलब अगर बारिश होने लगी। हाँ। तो तुरंत जंगल में ऐसा बना लिए। हाँ। और पानी से बच गए, छाता पकड़ने का भी काम नहीं है। वाह, तो इसका कितना दाम है? दाम तो नहीं है, खाली देखा रहे हैं, सिखा रहे हैं आदमी सबको। वो आदमी को बता रहे हैं कि ऐसा आप अपना भी बना सकते हैं। हाँ, हाँ, ऐसे कोई नहीं बनाता है, हम ही लोग। हमें तीन लोग गुतनी है। तीनों आप लोग गुतनी है? ये बेटी है। ये बेटी है आपकी? हाँ। ओ, क्या नाम है आपका? सुखनी असुर। सुखनी असुर जाति से आप? हाँ, हाँ, असुर जनजाति से हैं, जो विलुप्ति के कगार पर है देश में। बहुत कम गिने चुने लोग हैं जो बचे हुए हैं, और वो इस काम में लगी हुई हैं। तो यहीं पर बना भी रहे हैं क्या आप? हाँ हाँ, अभी भी बनाएंगे। अभी बना रहे हैं? हाँ। तो इधर थोड़ा दिखाइए थोड़ा सा कि किस तरह से यहाँ पर देखिए ये बना भी रही हैं, यहीं पर बेच भी रही हैं, पत्ता को गूंथ रही हैं। किस तरह से ये यहाँ पर लगा लगा कर, लकड़ी लगा कर गूंथ रही हैं। ये इसको क्या बोलते हैं? इसी को चुकड़ू बोलते हैं। अभी इसको बनाएंगे, देखिएगा कैसे बनाते हैं। इसको भी बनाएंगे? अच्छा, तो देखिए कैसे बनाती हैं ये पत्ता से गूंथ कर। नेतरहाट के जंगल से निकल कर ये रांची पहुँची हैं। असुर जनजाति की ये महिलाएँ हैं, एक ही परिवार की हैं। हाँ, दीपा कुजाम। दीपा कुजा जगह है? हाँ, कुजाम। कुजाम से? दीपा कुजाम। हाँ, चुखान दीपा कुजाम। तो सब आप लोग एक ही परिवार की हैं? हाँ, एक ही परिवार के हैं। कितना लोग बचे हैं आप लोग? अभी तीन लोग हैं। तीन ही लोग हैं? हाँ, और हम लोग तीन आप दिन जानते भी है सब चीज का। तो देखिए किस तरह से यह गूंथ गूंथ कर जो है पत्ता ये बनाया जा रहा है। हिंदी हिंदी जानते हैं?
नहीं, हम लोग अनपढ़ है, हम लोग नहीं पढ़े हैं। आप लोग तो बहुत चीज कर रहे हैं, इतना पढ़ाई काम नहीं कर रहे। हम लोग को लिखल पढ़ल नहीं है, हम लोग बानी भूति करके जिए हैं। अभी हम लोग सुबह चल जाते हैं उठ के घूंघ ढक के, और दो पीला एक दिन में मिल रहा था धान, और लेके आते थे पानी, पानी लेके आते थे। हाँ, माने मंज का बोलते हैं, ये खरीदने के लिए वहाँ पर कौन जाता है आप लोग से? कोई नहीं जाता है, इसको तो भुला गया। अब कोई नहीं लेता है? नहीं, प्लास्टिक पहन लेता है। प्लास्टिक और छाता, छाता ले लेता। हाँ, इतना भारी को कौन ढोएगा? कौन ढोएगा? हाँ, तब तो बहुत दिक्कत हो गया हुआ। हाँ? तो कैसे खाती हैं, क्या कमाती हैं, क्या चीज? हम लोग मरुआ गुंदली माकिया सब को घाटा करके खाते हैं। वो जो उधर बना रहे हैं मरुआ रोटी, डुम्बू लेटे और गुंदली का खीर। हाँ, और ये जो माला पहनी है इसमें पैसा वगैरह लगा है? पहले का एक आना, एक आना लगाई है। हाँ, ये क्यों लगाई है? असुर का पहचान है, सिंगार। अच्छा, असुर का ये श्रृंगार है पैसे। अभी तो क्या कहते हैं, सोना चांदी पहनते हैं। हम लोग तो गरीब आप दिन इसी को पहनते हैं। पहले असली वगैरह सब? असली भी है। असली भी है? हाँ, सब चीज है। आप बहुत बढ़िया बात करती है। अनपढ़ है हम, नहीं पढ़े, ठीक है, उससे क्या दिक्कत है? हम लोग को माँ बाप, मेरा माँ, हम छोटा सा था उसी समय खत्म हो गया, की पढ़ाएगा। हम लोग बानी भूति करके हम जिए हैं। हाँ, मेरा दीदी एक ठू है, भैया एक ठू है। बस। हाँ, देखिए अभी लगातार ये किस तरह से ये गूथ रही हैं, और यही पत्ता गूथ गूथ कर ये लोग अपना घर परिवार भी चलाती हैं। लातेहार के जंगल से निकल कर यहाँ पहुँची हैं। ये राजधानी रांची में इस वक्त आदिवासी महोत्सव के अवसर पर ये प्रदर्शनी अलग अलग तरीके की लगी है, और यहाँ लोग पहुँच रहे हैं और इससे तस्वीरें भी खिंचवा रहे हैं। बन गया? हाँ, नहीं बना, नहीं बना। इसको फिर इधर कर देंगे? हाँ, इधर कर। ओ, तो पूरा नहीं किए हैं। वाह, क्या नाम है आपका? निंदी नाम। हाँ, निंदी। निंदी? हाँ, निंदी। निंदी नाम? निंदी असुर। निंदी असुर नाम है। हाँ, इनका सुगली ताकी, ताकी ताकी असुर। गलत नाम बता रही हूँ ना ही? तो ठीक है, ठीक है। छुआ सबको सिखाएंगे हम लोग का, नाती सबको। हाँ, तभी जो नहीं तो इसको भुलाएगा, होले तो के सिखाएगा। हाँ, इसलिए हम लोग सी के दिखा रहे हैं। हाँ, हाँ। क्या, तो, क्यों सिखा रही हैं? हाँ, तो आगे जाके उस हम लोग मार जाएंगे तो क्यों सिखाएगा? भूल जाएगा सब, भूल जाएगा। छाता ले लेगा, छाता ले लेगा, प्लास्टिक लेगा, वज्रपात मारता है। इससे ढकाने से अभी तक हम लोग नहीं दिखे हैं। वो अच्छा, छाता लगाने से बिजली गिरने से मर जाता है आदमी, लेकिन इससे वो नहीं होता। अभी तक नहीं देखे हैं, इतना बूढ़ी आ गया। हाँ, ज्यादातर इसलिए मर जाता है कि छाता पकड़ के, छाता पकड़ के, और यही नहीं मरता है। ये बात कौन बताया आपको? हम तो अपना आँख से देखते हैं, देखे हैं, इसीलिए जानते हैं। हाँ, अभी तक तो भगवान को हम गोड़ लगते हैं, अभी तक तो नहीं हुआ है। क्या बहुत बढ़िया बात है। देखिए कितनी बड़ी बात ये बता रही हैं, ये कर रही हैं कि ये जब से इनकी उम्र, आपकी उम्र कितनी है? बिना माँ बाप में कौन बताएगा? फिर भी लगभग लगभग हो गया, जो दांत टूट गया तो कम से कम 70-80 70 साल हो गया। और ये बता रही हैं कि 70 साल में कोई भी व्यक्ति जो पत्ता पहनकर ढक कर जो है ये रोपा वगैरह या किसानी करता है वो वज्रपात से नहीं मरा, लेकिन आज के ज़माने के लोग जो छाता लेकर खेत में जाते हैं उनकी मौत वज्रपात से ज़्यादातर झारखंड में होती है। अगर ये वो लगाएंगे तो फिर ऐसी घटनाएं नहीं घटेगी। आप देखिए असुर जनजाति से हैं, लातेहार के जंगल से आई हैं, और ये इतनी बार नेतरहाट के जंगल से आई हैं और इतनी बड़ी बात ये कह रही हैं। और ये आप देखिए कि हमारे बगल में लगातार ये बन रहा है, ये करें क्योंकि खरीद नहीं रहा है, फिर भी ये मैसेज देने के लिए ये पत्ते से बनाकर लोगों को बता रही हैं। ये चाह रही हैं कि इनकी आने वाली पीढ़ी भी जो है वो इसे बनाए और इसे समझे। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। The followup.in
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in